नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। नक्सलबारी बाजार में स्थित गौशाला में आग लगने से सनसनी फैल गई। धुआं देखकर स्थानीय लोग दौड़ पड़े। स्थानीय और व्यवसायियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, साथ ही दमकल विभाग को भी सूचित किया गया। बाद में नक्सलबारी फायर ब्रिगेड की ओर से एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि आग किस कारण से लगी है। घटना की सूचना पाकर सिलगुड़ी महकमा परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष मौके पर पहुंचे। कन्या के सामने आज सुबह एक कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मालूम हो कि कंटेनर गुजरात से गुवाहाटी जा रहा था, तभी सुबह करीब 6 बजे कंटेनर के सामने अचानक एक स्कूटर आ गया। उसे बचाने के दौरान कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ट्रेन चालक के प्रयास से 2 हाथियों को बचाया गया। एनजेपी जाने वाली आलिपुरदौर एनजेपी टूर्स स्पेशल एक्सप्रेस के सामने अचानक 2 हाथी आ गए। दूर से 2 हाथियों को देख ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। हाथियों को 2 रेल लाइन पार कराने के बाद ट्रेन को छोड़ा गया। ये घटना गुरुवार दोपहर हाशिमारा मादरहाट रेलवे स्टेशन के बीच हुई। सेवक रामपुर सुरंग में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान सेवक निवासी शंभू छेत्री उम्र 43 वर्ष के रूप में की गई है। मालूम हो कि इस दिन सेवक रामपुर रेलवे प्रोजेक्ट के टनल नंबर 1 में काम चल रहा था, तभी एक लोहे का ब्लॉक मजदूर के सिर पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर अन्य कर्मचारी समेत स्थानीय लोगों ने सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। इस घटना के बाद इलाके में काफी उत्तेजना फैल गई। इस घटना में ड्राइवर जख्मी हो गए हैं। देर रात पेट्रोलिंग कर रही नक्सलबाड़ी थाने की महिला पुलिस अधिकारी एवं पुलिस कर्मी की मदद से उसे निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। व्हीलर ड्राइवर के सिर पर चोट है और अभी वो स्वस्थ है। जहां ये घटना घटी वहां हाथियों के गुजरने का कॉरिडोर है। ये कंटेनर एलिफेंट क्रॉसिंग को दर्शाने वाले बोर्ड को तोड़ सड़क किनारे पलट गई। स्थानीय थाना प्रशासन एवं ट्रैफिक गार्ड इस मामले को लेकर जांच कर रही है। टोल टैक्स के माध्यम से कैनल आकर इस बड़ी गाड़ी को सड़क से हटाकर सही दिशा पर लगाया जाएगा, जिसका काम फिलहाल जारी है। मानसून से पहले ही जलपाईगुड़ी में कहर बरपा रहा डेंगू। अब तक मिले 57 मरीज। जलपाईगुड़ी से सटे सिलीगुड़ी नगर निगम के 4 लोग डेंगू से संक्रमित। मानसून से पहले ही जलपाईगुड़ी में डेंगू चिंता का विषय बना हुआ है। स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने नगर निगम अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की। जलपाईगुड़ी जिले के अब तक 57 लोग डेंगू से प्रभावित हो चुके हैं। शहर में डेंगू मलेरिया और अन्य कीट जन बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी धूपगुड़ी नगर पालिका के चेयरमैन व अधिकारी उपस्थित थे। सिलीगुड़ी नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित थे। बताते चले कि इस साल जिले में अब तक 57 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 57 लोगों में से जलपाईगुड़ी जिले से सटे सिलीगुड़ी नगर निगम के 4 लोग प्रभावित थे। जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी धूपगुड़ी और इन तीनों नगर पालिकाओं में एक एक व्यक्ति डेंगू से संक्रमित हो गया है। जलपाईगुड़ी नगर पालिका अध्यक्ष पापिया पाल ने कहा कि कीट जनित बीमारियों से निपटने के लिए एक बैठक हुई थी। जिला मजिस्ट्रेट ने आज हमें यह बताने के लिए बुलाया है कि हमने पहले से ही क्या व्यवस्था की है। शहर के राजू प्रसाद नामक निवासी ने बताया कि हाल ही में जलपाईगुड़ी में मच्छरों का भी भारी प्रकोप हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि मांद या कूड़ा कचरा ठीक से साफ नहीं किया जाता है। हालांकि वह इसके लिए शहर के लोगों की अज्ञानता को जिम्मेदार बताते हुए कहते हैं कि लोग अपने घरों से कूड़ा निकालकर सड़कों पर फेंक देते हैं। वह गंदगी नाली में चली जाती है और नाले का मुंह बंद कर मच्छरों का बसेरा बना दिया जाता है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर असीम हलदार ने बताया कि जिले में अब तक 57 लोग डेंगू से संक्रमित हो चुके हैं। इससे शहरी क्षेत्र में 7 लोग संक्रमित थे, जिनमें से जलपाईगुड़ी जिले के तहत सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र के 4 लोग संक्रमित थे। जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी धूपगुड़ी नगर पालिका क्षेत्रों में 3 और लोग संक्रमित थे। शहरी क्षेत्र में कीट जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स। सच्चाई का आईना।